उस चांसर पर। सो यार दो दिन बीत गए हैं, दो दिन क्या काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन वर्कआउट डेज तो दो ही थे हमारे। आज तीसरा दिन है और आज मैं लगाऊंगा बैक की वर्कआउट। बैक की वर्कआउट में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 से 6 वर्कआउट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, 4-5 से 6 वर्कआउट एवरेज वर्कआउट रूटीन होता है तो लगाऊंगा मैं। सो बैक में मैं लगाऊंगा लेग पुल डाउन आगे से एंड पीछे से, देन उसके बाद मैं लगाऊंगा सिंगल हैंड कर्ल्स, उसके बाद मैं लगाने की कोशिश करूँगा बेंट ओवर। बेंट ओवर बहुत ही अच्छी वर्कआउट है, मेरी फेवरेट वर्कआउट है। उसके बाद मैं लगाऊंगा फ्रॉग फ्लाई, जिसको आमतौर पर जिमों में हवाई जहाज के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद मैं लगाऊंगा पुल ओवर। ये होंगी मेरी 5 वर्कआउट्स जो मैं आज लगाने वाला हूँ। हल्के से हैवी वेट की तरफ जाएंगे, जैसा कि हर बार जाते हैं। हैवी वेट बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे फिर कभी। तो पहले तो हमेशा इधर है वार्म अप होता है, वार्म अप तो हमेशा करना चाहिए बॉडी ताकि गर्म हो जाती है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो पहले वार्म अप लगाते हैं। स्ट्रेचिंग में काफ़ी फ़र्क होता है, मैंने अपना वार्म कंप्लीट कर लिया है। हमेशा स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद करनी चाहिए, तो बंदे होते हैं कि वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, वार्म अप करना चाहिए वर्कआउट करने से पहले। सो वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं।
सारी बैक्स की वर्कआउट। आज हमारा तीसरा दिन गेनिंग का, वैसे तो काफी दिन हो गए लेकिन वीडियो का तीसरी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसी लगी वर्कआउट, जरूर घर पर ट्राई करें। और इसके बाद मैं बनाऊंगा पोस्ट वर्कआउट मील, जो मतलब वर्कआउट करने के बाद किस तरीके की मील लेनी चाहिए खाने से पहले, जैसे जिम जाते हैं जिम के बाद दूध वगैरह पनीर केले वगैरह खाते हैं ना, वो सब। सो उस वीडियो के लिए मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और फिट रहें, घर पर रहें, कोरोना अभी काफ़ी है, बाहर ना निकलें, बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलें। और बस आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।